सो एई व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो जर्सी डिजाइन्स के ऊपर। ये आई गेस मेरी पहली वीडियो होने वाली है, बिकॉज इसके पहले चैनल पर जर्सी डिजाइन के बारे में कुछ भी वीडियो नहीं आई या कुछ बात नहीं हुई। लेकिन इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आप एक स्पोर्ट्स डिजाइनर हो तो आपको जर्सी डिजाइन का भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, बिकॉज कभी नहीं पता कि आपको कब जर्सी डिजाइन बनानी पड़ जाए। एंड आज आपको पीसी एंड एंड्रॉयड दोनों में आपको जो है जर्सी डिजाइन ट्यूटोरियल दूंगा कि आप कैसे एक जर्सी को डिजाइन करते हो, कहाँ से उसके मॉकअप्स आपको ढूंढने हैं, एंड कैसे आप एक जर्सी को रिप्रेजेंट करते हो अपने क्लाइंट के सामने। एंड अगर उसके क्लाइंट के ऑर्गेनाइजेशन को अपनी जर्सी के अंदर फिट करना है तो वो भी आप कैसे करोगे। बेसिकली आप अपने क्लाइंट के लोगों के थीम के हिसाब से उस जर्सी को कैसे डिजाइन करोगे, दिस वीडियो इज ऑल अबाउट दैट। या सो अगर आप एंड्रॉयड पे देखना चाहते हो तो आप टाइम स्टैम्प पे सीधा जंप कर सकते हो, अगर आप पीसी पे देखना चाहते हो तो पीसी पे जंप कर सकते हो। दोनों का मैंने टाइम स्टैम्प दे रखा है, आप अपना टाइम सेविंग के लिए वहां पे जा सकते हो। सो या विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। This video is brought to you by Avu Video Editor. Stick to the end to see how you can edit awesome montages on your Android device. तो यहाँ पे सबसे पहले हम आ गए IVS Paint X में। ट्यूटोरियल स्टार्ट करने से पहले एक बहुत बड़ा मिथ यहाँ पे मैं जो है वो तोड़ने वाला हूँ कि यार जो आप जर्सी एंड्रॉयड में डिज़ाइन करते हो क्या वो प्रिंट हो सकती है या नहीं। मतलब आप जो है एक क्लाइंट को वो वाली फाइल देके कह सकते हो कि जी हाँ आप प्रिंट करवा लो, तो अनफॉर्चुनेटली आप जर्सी जो है एंड्रॉयड पर डिज़ाइन करोगे वो प्रिंटेबल फाइल नहीं हो सकती। एक प्रिंटेबल फाइल होने के लिए उसको AI होना पड़ेगा, या फिर PSD होना पड़ेगा, या फिर CDR होना पड़ेगा। बेसिकली एक प्रिंटेबल फाइल होती है वेक्टर। वेक्टर क्या होता है कि उसको जितना मर्जी एनलार्ज कर लो उसके पिक्सल्स नहीं फटते, लेकिन एंड्रॉयड में अभी तक हम एक वेक्टर फाइल को नहीं बना पाते। लाइक अगर हम डिज़ाइन बनाएंगे तो उसको वेक्टर फाइल में हम फिलहाल तो एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। लेकिन आपके पास एक तरीका है कि आप जो है अपना ओरिजिनल डिज़ाइन एंड्रॉयड पे बना लीजिए एंड क्लाइंट को दिखा दीजिए कि भैया ये देखो ये डिज़ाइन है, एंड यू बोथ फाइनलाइज द डील। देन यू कैन आउटसोर्स अनदर PC डिज़ाइनर जो कि वो ओरिजिनल डिज़ाइन को रेप्लीकेट करेगा इलस्ट्रेटर या कोरल ड्रॉ में, एंड देन वो वाली फाइल आप अपने क्लाइंट को दे सकते हो। यही आपके पास एक ऑप्शन है, नहीं तो आप एंड्रॉयड में जब भी जैसे डिज़ाइन करते हो आप उसको प्रिंट नहीं करवा सकते। लेकिन आप एक बढ़िया सी कूल सी प्रेजेंटेशन बना सकते हो, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू प्रेजेंट योर जर्सी इन एंड्रॉयड डिवाइस। सबसे पहले IVS Paint X में आते हैं। बड़ा ही बेसिक ट्यूटोरियल होने वाला है, बड़ा ही बेसिक डिज़ाइन होने वाला है, लेकिन सारी आपकी कन्फ्यूजन को क्लियर करूँगा। यहाँ पर माय गैलरी पे जाएंगे, प्लस करेंगे 1920x1080 का एक कैनवस ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद जस्ट एक डार्क ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड लेंगे टू फॉर मोर विजिबिलिटी। एंड डिस्क्रिप्शन में मैंने एक पैक दिया है, उसमें जर्सी मॉकअप है, ठीक है। तो जर्सी मॉकअप क्या होता है, जर्सी मॉकअप होता है ये चीज़। बेसिकली ये एक जर्सी का आइडिया देता है हमको कि एक जब जर्सी प्रिंट होती है तो ऐसा ही उनके पास टेम्पलेट होता है। और अगर आप इसको भी हम इसको भी PC में भी यही यूज़ करने वाले हैं, एंड्रॉयड में भी, तो आप ये बेस है मतलब आपकी जर्सी का। ओके, सपोज आप किसी टीम के लिए जर्सी जो है वो डिज़ाइन कर रहे हो। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ NBD के लिए डिज़ाइन, जो कि मेरी बहुत ही बिलव्ड क्लाइंट है, बहुत ही पुराने हैं। तो NBD का सबसे पहले आप किसी भी टीम के लिए कर रहे हो तो आप एक एम्बलम लोगो लगाओगे, चाहे वो जर्सी के सेंटर में होना चाहिए, चाहे वो चेस्ट पे होना चाहिए, आप एक एम्बलम लोगो जो है लगाओगे। क्योंकि जर्सी का मेन पार्ट यही होता है कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो रिप्रेजेंट करे, ठीक है। तो मैंने एक एम्बलम लोगो सबसे पहले यहाँ पे लगाना सही समझा। इसके बाद दोबारा लोगो लेंगे, एंड नाउ आई विल बी यूजिंग दिस लोगो एज अ डिज़ाइन एलिमेंट टू कम्प्लीट अवर जर्सी। देखिए आप ऐसा अपने लोगों के साथ भी कर सकते हो, बिकॉज और क्या ही चाहिए क्लाइंट को कि उनका लोगो सब जगह जर्सी में दिखे। लेकिन अगर कोई तीसरा बंदा देखे तो सिर्फ उसको लगे कि भैया क्या डिज़ाइन एलिमेंट है, ठीक है। तो मैं इस NBD लोगो को यूज़ करके अपना एक डिज़ाइन एलिमेंट यूज़ करूँगा, एंड इसको यहाँ पर कुछ रखना चाहूँगा। नाउ यू कैन से कि आपकी जो है वो लोगो जर्सी के बाहर जा रहा है, तो इसको फिक्स करने के लिए IVS Paint X में बड़ा ही अच्छा फीचर है, वो है क्लिपिंग मास्क। तो आप यहाँ पे एक ऑप्शन देख सकते हो, इसको क्लिपिंग मास्क कहते हैं। तो क्लिप जैसे आप इसको कर दोगे तो आप देख सकते हो कि ये क्लिप हो गया है मेरी इस लोगो के साथ, तो आपको इसको भी क्लिपिंग करना पड़ेगा। तो नाउ यू कैन सी कि क्लिपिंग मास्क क्या करता है कि अगर आप अपनी मेन लेयर के ऊपर वाली लेयर को अपनी मेन लेयर के साथ क्लिपिंग कर दोगे तो जो भी आप अपने ऊपर वाले लेयर पे करोगे वो आपके मेन लेयर को इफेक्ट करेगा, ओनली आपके बैकग्राउंड को वो कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बहुत अच्छा फीचर है, आप इसको यूज़ करो, ठीक है। उसके बाद मैं दोबारा से लोगों को यहाँ पे अब क्लिपिंग मास्क के साथ जो है सेटअप करूँगा, एंड आई विल लीव इट लाइक दिस। नाउ मैं रोटेशन को भी ऑन कर दूँगा, तो रोटेशन को ऑन करके मैं इसको थोड़ा रोटेट करना चाहूँगा,
एंड आई विल लीव इट लाइक दिस. ओके, इसके बाद एक और न्यू लेयर लेंगे एंड वी विल मेक दैट अ क्लिपिंग मास्क टू. नाउ आपने यहाँ पे एक थीम फाइनल करना है कि भैया हमको क्या थीम चाहिए, हमको रेड थीम चाहिए, हमको ब्लू चाहिए, प्लैटिनम का ना कुछ भी है. ऑब्वियसली NBD का लोगो रेड है तो मैं भी रेड थीम लूँगा. एंड वो थीम मेंटेन करने के लिए आपने एक तो कॉलर को रेड कर देना है एंड एक जो ये अपनी आर्म्स होती हैं, अपनी बाजुएँ होती हैं, वो कर देनी है रेड. तो वो आप कैसे करोगे, बड़ा ही सिंपल तरीका है. ब्रश टूल लो, ठीक है, आप ये फेल्ट टिप पेन हार्ड लो, यहाँ पे कलर सेलेक्ट करो रेड. ओके, एंड सबसे पहले तो अपनी लेयर को जो है वो ओवरले कर दो, बिकॉज ओवरले वर्क्स द बेस्ट ऑन ब्लैक जर्सीज. व्हाइट जर्सीज पे आएगा स्क्रीन काम करेगा, ठीक है. तो आप यहाँ पे सिंपली ड्रॉ करना स्टार्ट करो. सबसे पहले आप बेसिक आउटलाइन बना लो एक, ठीक है. सो यहाँ पे एक बेसिक आउटलाइन बन रही है, ठीक है, एंड ये बिल्कुल पीछे तक भी जाएगी. उसके बाद आप यहाँ पे आओ, पॉलीलाइन ले लो, पॉलीलाइन टोन ऑन करके आप यहाँ पे इरेजर ले लो एंड नाउ यू स्टार्ट गिविंग इट द डिटेल्स, ठीक है. तो पॉलीलाइन ऑन नहीं हुआ, एक सेकेंड. ओके, सो मैंने इरेजर पे ले लिया, तो मैं पॉइंट लाइन ऑन करता हूँ दोबारा एंड साइज थोड़ा छोटा करते हैं. नाउ यू कैन रियली स्टार्ट गिविंग इट द डिटेल्स यू वांट. ओके, एंड हियर यू गो, आपकी जो है जर्सी वो कंप्लीट हो गई है. जर्सी नहीं, सॉरी, द कलर कंप्लीट हो गया है, ठीक है. एंड में मेरा थोड़ा सा गड़बड़ा गया, लेकिन आई एम मेकिंग अ ट्यूटोरियल तो इतना चलता है. लेकिन अगर आप बनाओगे तो भैया, अगर गलती कर दी ना अपनी जर्सी डिज़ाइन में, बिल्कुल जल्दी कर दी तो बहुत मारूंगा, ठीक है ना. चुपचाप से बढ़िया से जर्सी डिज़ाइन कर देना. उसके बाद बाजू की बारी आती है हमारी आर्म्स की. तो हर एक अलग रिस्पेक्टिव लेयर के लिए आप अलग से एक लेयर बनाइए, ठीक है, एंड देन आप इसके ऊपर ड्रॉ करिए. नाउ अगर पॉलीलाइन मेरा सिलेक्टेड ही है तो मैं सिंपली पॉलीलाइन से ही इसको ड्रॉ कर देता हूँ लाइक दिस. सॉरी, गलती होगी, बहुत बड़ी गलती होगी, पॉलीलाइन से आप ना करिए, सिंपली आप नॉर्मल ड्राइंग टूल ले लीजिए एंड ड्राइंग टूल लेने से पहले आप इसको ओवरले कर दीजिए ताकि आपको आइडिया आ जाए. क्योंकि यार देखो, ओवरले जो है वो डार्क एरियाज़ में काम नहीं करता, ठीक है. तो ये जब जो भी आप रेड ऐड करोगे वो डार्क एरियाज़ में आपको नहीं दिखेगा. तो अगर आप यहाँ पे आप थोड़ी सी इंपरफेक्शन भी कर देते हो तो इतनी नोटिसेबल नहीं रहेगी. ऑब्वियसली वो ओरिजिनल प्रिंटेबल फाइल में तो आप नहीं करोगे, लेकिन अगर आप सिंपली प्रेजेंटेशन कर रहे हो जैसे कि, तो आप इसको ऑप्ट कर सकते हो, ठीक है. नाउ ये हो गया जी हमारा फ्रंट पार्ट, जो कि मतलब फ्रंट एरिया होगा जर्सी का. अभी आपने फ्रंट से तो डिज़ाइन कर दिया चौड़े हो गया, अब बैक से कौन करेगा, बैक से भी आप ही करोगे. तो आप यहाँ पे सबसे पहले मर्ज डाउन कैसे करोगे लेस को, क्लिपिंग मर्ज डाउन, ठीक है. उसके बाद आप ये जो दो लोगोज है इनको अकेले अकेले मर्ज करोगे. पहले अपना एम्बलम लोगो जो कि हमारे चेस्ट पे है मर्ज कर दो, ठीक है. एंड नाउ द मेन रेड एरियाज उसको भी मर्ज डाउन कर दो. ओके, इसके बाद को ट्रांसफॉर्म करके चलो साइड पे, पतली गली से निकलो. इसके बाद हम बैक वाला पोर्शन लेंगे जो कि डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, सेम ही जर्सी डिज़ाइन है ये, ठीक है. एंड नाउ यू कैन अलाइन देम. उसके बाद आप ट्रांसलेशन वाई से, भैया गलती होगी बहुत बड़ी, वाई नहीं था यार, एक्स था. तो आप यहाँ पे इसको एक्स से बिल्कुल लेवल पे लेके आओ. लेवल पे लेके आने के बाद सेम टू सेम प्लस लेयर क्लिपिंग मास्क. एंड हमने अगर ऑब्वियसली यहाँ से इसको रेड किया है तो इसको यहाँ से भी रेड करेंगे हम. तो सबसे पहले तो रेड ब्रश टूल है ना हमारे पास, मेक श्योर कि आप ये ओवरले कर दो, क्योंकि ओवरले अगर आप करोगे तो आपको पता रहेगा कि आप यहाँ पे एग्जैक्टली कर क्या रहे हो. तो इसको ओवरले कर दिया मैंने जैसे, बहुत बढ़िया जी, इसको ओवरले करना है. एंड नाउ यू कैन सिंपली ड्रॉ द लाइन, गेट द पॉली लाइन, गेट द इरेजर टूल, गेट द पॉली लाइन ऑन ऑलरेडी एंड यू कैन इरेज इट टू गिव इट द डिटेल्स. नाउ यहाँ पे हम जो है आम को भी देंगे, यार ऑब्वियसली आम आगे से रेड है तो पीछे से भी रेडी होंगे ना. तो ब्रश टूल दोबारा ले लेंगे, एक अलग न्यू लेयर बनाएंगे विद द क्लिपिंग मास्क ऑन एंड नाउ वी ड्रॉ द आर्म्स एंड ओवरले कर दो. ओवरले मतलब करना ही करना है, ठीक है ना, भूलना नहीं है. ओवरले करके आप आराम से तो रियल लाइफ इफेक्ट दे सकते हो. ओके, लाइक दैट. अभी यहाँ पे मैंने, मेरे को पता है टट्टी कर दी है मैंने, लेकिन आपने यहाँ पे नहीं करना है. मैं ट्यूटोरियल बना रहा हूँ तो मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, लेकिन आपने बिल्कुल आराम से करना है. बिकॉज यू डोंट हैव एनी टाइप ऑफ जल्दी, यू जस्ट हैव टू परफेक्टाइज द डिज़ाइन. ये तो मतलब मैं इग्नोर नहीं कर सकता यार, ये तो मेरे को करना ही पड़ेगा, बेइज्जती हो जाएगी बहुत बड़ी. ओके, नाइस. तो यहाँ पे भी आएगा हल्का सा. ओके, ये हो गया जी हमारी बैक वाला भी. तो बैक पे अगर आप चाहो तो, मतलब अगर क्लाइंट की रिक्वेस्ट है
वो आप जो है अलग अलग प्लेयर्स के अलग अलग नाम लिख सकते हो। यहाँ पे अगर मैं NBD लिखना चाहूँगा तो मैं चुपचाप से लिख दूंगा सेम विद द टेक्स्ट लेयर। तो यहाँ पे हम टेक्स्ट टूल लेंगे, लिखते हैं यहाँ पे NBD। ओके, फॉन्ट जो है वो हम करेंगे चेंज, विच विल बी एजेंसी एफ बी बोल्ड, दिस विल वर्क आई गेस। एंड द कलर विल बी ऑब्वियसली रेड, एंड देन ओके, इसके बाद हम इसको करेंगे ट्रांसफॉर्म, करेंगे छोटा, एंड नाउ वी कैन रास्टराइज एंड ट्रांसफॉर्म इट। नाउ यू कैन ट्राई मल्टीपल ब्लेंडिंग मोड्स, जो भी आपको सही लगे वो आप यूज़ कर लो, क्योंकि ओवरले अगर आप यहाँ इसको करोगे तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है डार्क हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो डार्क इतना अगर आपको सही लग रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पे लीनियर लाइट भी यूज़ कर सकते हो, ये थोड़ा ब्राइट है एंड इसकी ओपेसिटी कम कर सकते हो। ये इसके बाद एक और आइडिया मेरे दिमाग में आ रहा है कि हम यहाँ पे अगर एक ब्रश यूज़ करें, ब्रश लाइक ब्रश फॉन्ट यूज़ करें तो वो कैसा लगेगा। तो लेते हैं दोबारा से एक टेक्स्ट लेते हैं, एंड देन वी विल राइट NBD। मैं MBD क्यों लिख रहा हूँ हमेशा, NBD, एंड फॉन्ट में जाएंगे एंड यहाँ पे प्लस फॉन्ट करेंगे, बिकॉज मेरे पास शायद वो फॉन्ट नहीं है। ओ था, ये तो रहा अगेंस्ट। ओके, नाउ यू कैन सी वी हैव NBD एंड हम इसको बढ़ा देंगे। एंड अभी इसको हम करेंगे क्या करेंगे, क्लिपिंग मास्क। नीचे लेके जाओ ऑन द क्लिपिंग मास्क लेयर एंड यहाँ पे इसको क्लिप मास्क करो। नाउ यू कैन रियली नेविगेट एंड डू इट NBD, एंड रोटेशन देना पड़ेगा हल्का सा NBD के लिए। एंड इसके बाद इसको तो भैया ओवरले ही कर दो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अटेंशन ग्रैबर है, तो ओवरले करके इसकी ओपेसिटी कर दो कम। एंड अगर आप ऐसे NBD लिख रहे हो तो ये ऊपर वाला हटा दो, ये मेरे को वैसे ही अच्छा लग रहा था। एंड ये एक काफ़ी अच्छा लुक देगा, क्योंकि पीछे से एग्रेसिव लगोगे एंड आगे से जो है क्लीन लुक आ रहा है, तो ये एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है। अब आप इसको जो है वो कैसे करोगे, मतलब प्रेजेंटेशन कैसे करोगे, अगर आप एक स्पेशल पोस्ट बना रहे हो तो आप कैसे बनाओगे। पहले तो आपने मर्ज डाउन करनी है लेयर्स, मेक इट वन लेयर, तो डिलीट करो, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। एंड देन मर्ज डाउन, ओके। उसके बाद सिंपली एक रेड बैकग्राउंड ले लो, तो मैं जाऊंगा बैकग्राउंड में, यहाँ पे रेड कलर बैकग्राउंड ले लूँगा, चटक मतलब पूरा चटक ला लूँगा, बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। एंड अभी ये दोनों को मर्ज डाउन दोबारा करेंगे एंड इनको लेके आएंगे हल्का सा सेंटर में, ओके ठीक है। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लेंगे ब्रश टूल, देन वी गॉट टू पॉलीलाइन तो लेना है मुझे, ठीक है। एंड यहाँ पे हम रेड से हल्का सा डार्क टोन ले लेंगे एंड हम सिंपली यहाँ से यहाँ तक एक सीधी लाइन मारेंगे। ये हो गया जी, सीधी लाइन बच गई हमारी, एडी हो गई, सीधी लाइन बच गई। सीधी लाइन मारने के बाद आपने सिंपली नीचे वाला सारा एरिया बकेट टूल से आपने वो जो फिल कर देना है लाइक दिस, राइट। ओ शिट भाई, अब मेरे जैसे आप चूतियों वाली हरकतें ना करना प्लीज़। आप सिंपली जो है एक न्यू लेयर लेना, जो कि मैंने नहीं ली और मेरे को दोबारा से बनानी पड़ रही है, ठीक है। तो बकेट टूल से सिंपली यहाँ पे एक बार क्लिक कर दो, ये फिल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपने नॉर्मली इसको मूव करना है, मूव करोगे आप देखोगे कि बकेट टूल ने हक दिया है, तो बकेट टूल से दोबारा से फिल करना है इसको, इस चीज़ को सिर्फ इसको दिस दिस। अगर ये ऐसे हो रहा है तो अनफॉर्चुनेटली आपको ब्रश टूल से करना पड़ेगा ये, एंड आप इसको सिंपली ब्रश टूल से कर दो विदाउट द पॉलीलाइन, पॉलीलाइन हर जगह काम नहीं आता। तो यहाँ पे वो फिल कर दो, फिल करने के बाद यू हैव टू गो टू FX फिल्टर, यू हैव टू गो टू ब्लर, यू हैव टू गिव इट अ गॉशियन ब्लर, गॉशियन ब्लर देने के बाद रेडियस बढ़ा दो एंड देन यू हैव टू लाइक रिपीट द प्रोसेस, गॉशियन ब्लर, गॉशियन ब्लर, गॉशियन ब्लर, गॉशियन ब्लर, गॉशियन ब्लर, ठीक है। इतना देने के बाद आपने इसकी कैपेसिटी कम कर देनी है। नाउ दिस विल हैव इम्पैक्ट, लाइक इसकी ऐसा लगेगा कि आपकी जर्सीज जो है एक रूम में खड़ी हैं, ओके। एंड नाउ यू कैन सिंपली मेक सम शेडोज आउट ऑफ इट, तो बहुत ही ईजी शेडोज बनानी। शेडोज कैसे बनाते हो, सबसे पहले ब्रश टूल लीजिए आप, यहाँ पे जो है ये एयर ब्रश टैप जॉइंट लीजिए, यहाँ पे सिंपली फुली जितना बड़ा हो सकता है उतना बड़ा लीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर आप टैप करोगे तो मैंने सेम ही कलर ले रखा है, लेकिन आप एक डार्क ब्लैक कलर ले लेंगे यहाँ पे। एंड यहाँ पे अगर आप जो है थोड़ा सा भी ड्रॉ करोगे तो आपको शेडो इमिनेंट आने लग जाएगा। अब सिंपली अपने हिसाब से यहाँ पे थोड़ा थोड़ा वो कर दो एंड यू कैन सी
कि हमारी प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छी लग रही है। ये मैंने कर दी है बहुत बड़ी टट्टी, लेकिन आप जो है बिल्कुल टाइम दीजिए अपने डिज़ाइन को एंड अपनी जर्सी को अच्छी तरह से प्रेजेंट करिए। टेक्स्ट वगैरह भी यहाँ पे डल सकता है, जो कि मैंने नहीं डाला है बिकॉज ये एक टेक्स्ट ट्यूटोरियल नहीं है, एक जर्सी डिज़ाइन ट्यूटोरियल है। आई गेस दिस वॉज हाउ यू कैन डिज़ाइन जर्सी ऑन एंड्रॉयड डिवाइस। अब चलते हैं पीसी के अंदर, होप आपके सारे मिथ्स और जो है आपकी सारी कन्फ्यूजन्स दूर होगी होंगी, एंड अगर नहीं हुई तो डोंट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मिलता हूँ आपको पीसी ट्यूटोरियल के अंदर। So Evo Video Editor is a very efficient app which you can use to edit special effects and montages on your Android device. एंड आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर, आपको iOS एंड Android दोनों प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल मिलेगा। एंड अगर आपको इसके ट्यूटोरियल्स देखने हैं सो यू कैन चेक द वीडियो ऑन द आई कार्ड टू नो मोर, एंड थैंक्स Evo फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो। सो आई होप एंड्रॉयड पे आपको सब कन्फ्यूजन्स क्लियर हो गई होगी। अब आते हैं पीसी पर, तो पीसी पर फोटोशॉप मैंने खोली है एंड पीसी में मैंने एक मॉकअप दिया है जो कि है जर्सी मॉकअप, सिंपल है, फ्रंट एंड बैक दोनों मिल जाएंगे। पीसी में थोड़ा सा डिफरेंट होता है प्रोसीजर और ईजी होता है मॉकअप्स को यूज़ करना। सबसे पहले हम बैक को हाइड कर देते हैं और सिर्फ फ्रंट के लिए काम करते हैं। तो फ्रंट का जैसे आप फोल्ड रहे हैं यहाँ पे खोलोगे तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन बेसिकली आपको ऐसे मिलेगा, इफेक्ट्स एंड कलर्स। तो बेसिकली इफेक्ट्स से क्या रेफर है, हाईलाइट्स, शेडोज एंड मिड्स यहाँ पे आपको दिखेंगे। जैसे आप देख सकते हो टी शर्ट हाईलाइट्स, ये है हाईलाइट्स, ये है शेडोज एंड दिस इज द पार्ट्स मर्ज, जो कि मतलब ये एक वो होता है, मतलब क्या कहते हैं कैसे समझाऊं मैं, ये लाइक ये रंग बिरंगी लेयर है, ठीक है, ये रंग बिरंगी आपकी किसी काम की नहीं है फिलहाल। जब आप अगर आप एक अपने हिसाब से जर्सी मौका बना रहे हो तो तब आपको ये बात समझने की ज़रूरत है, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं है। एंड जब आप कलर्स में आ गए तो आपको सारे जो एक जर्सी के पार्ट्स होते हैं जैसे कि कॉलर्स जो होते हैं, फ्रंट कॉलर, स्टिचिंग, बैक लाना, डिम करना, स्लीव वगैरह, आपको जो है वो अलग अलग मिल जाएंगे ना, अलग अलग आप उनके कलर्स को चेंज कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास आइडिया नहीं है कि मैं किसका लोगो यूज़ करूँगा, तो मैं सिंपली अपना ही लोगो यूज़ कर लेता हूँ जो कि है हमारा ए लेटर कंसेप्ट, ठीक है। एंड कहाँ गया भैया, ओके ये रहा, ठीक है। एंड मैं इसको थोड़ा ऑरेंजिश थीम दूंगा अपनी जर्सी को, अगर मैं अपनी जर्सी को कभी भी डिज़ाइन करूंगा फ्यूचर में तो मैं इसको ऑरेंज कलर दूंगा। एंड यहाँ पे भी मैं क्लिपिंग मास्क यूज़ करूंगा, तो आप फोटोशॉप में क्लिपिंग मास्क कैसे बना सकते हो, सबसे पहले तो आपने राइट क्लिक करना है एंड आप यहाँ पे जो है क्रिएट क्लिपिंग मास्क भी ऑन कर सकते हो, आपका ऐसा भी हो जाएगा। नहीं तो आपको यहाँ पे एक हॉट की है ऑल्ट क्लिक करके, आप यहाँ पे अगर इन दोनों के बीच में आ गए तो आपको डब्बा सा बना दिखेगा, यहाँ पे ऐसे क्लिक कर दो, ये हॉट की है अपनी क्लिपिंग मास्क की, ठीक है। सबसे पहले तो मैं ऑरेंज थीम लेना चाहता तो मैं कलर्स में जाऊंगा एंड अपना जो कॉलर है उस पर डबल क्लिक करूंगा एंड नाउ आई विल गेट ऑरेंज कलर हेयर। अब देख सकते हो कि यहाँ पे बिल्कुल बढ़िया ऑरेंज कलर आ गया। एंड यहाँ से आपने अपने कोड को जो है वो कॉपी कर लेना है, कंट्रोल सी करके कॉपी। नाउ मैं जाऊँगा अपने स्लीव्स पे एंड स्लीव्स पे जाकर मैं सिंपली कंट्रोल वी कर दूंगा एंड ये ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है, ओके। इसके बाद स्लीव्स का जो छोटे छोटे पार्ट है ना, मतलब जो मतलब छोटे छोटे होते हैं उनको भी ऑरेंज करूंगा, लेकिन उनको थोड़ा मैं डार्क ऑरेंज करूंगा ताकि थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट हो जाए, ओके। इसके बाद इतना यहाँ पे हमारा काम हो गया। ये बहुत ही ईजी है, एंड्रॉयड में हमको सेलेक्ट करके करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे हम सीधा ही कर सकते हैं। अभी मैं अपने लोगों को पहले तक डुप्लीकेट बना लूँगा टू जस्ट गेट अ बैकअप, ठीक है। एंड ये क्लिपिंग मास्क वाला लोगो जो है इससे मैं अपनी डिज़ाइनिंग को स्टार्ट करूँगा। सबसे पहले तो मैं अपने लोगों को बड़ा कर लेता हूँ एंड आई डोंट हैव एनी आइडिया कि हम इसको कैसे करेंगे, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है। ये क्या हो गया, ओह मैंने शिफ्ट होल्ड कर लिया, शिफ्ट नहीं होल्ड करना है आपने, पहले आपने अपने लोगों को पकड़ना है, ऑटो सेलेक्ट करें बंद कर दे रहे हैं। अब आप नीचे ले जाओगे, मैं इसको सिंपली यहाँ से नीचे ले आता हूँ। ओह आई गेस स्नैपिंग ऑन है, ऑफ है, सॉरी ऑन कर दो, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर आएगा ये यहाँ पे। एंड नाउ आप देख लो कौन सी भी जो भी अच्छी लग रही है आपको, ये ब्लेंडिंग मोड मेरे को आई गेस यहाँ पे दो ही काम करते हैं, या तो स्क्रीन काम करता है तो मल्टीप्लाई काम करता है। एंड अगर मेरा वाइट है तो यहाँ पे स्क्रीन ही काम करेगा, तो मैं वाइट की जगह यहाँ पे ऑरेंज ले लेता हूँ, तो पर्पल भी अच्छा लग रहा है, ऑरेंज ले लेता हूँ। ऑरेंज लेने के बाद यहाँ पे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट रेन करूँगा। स्मार्ट ऑब्जेक्ट में क्यों कन्वर्ट करते हैं, जब आप एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करोगे किसी भी चीज़ को बड़ा छोटा करते हो तो उसकी क्वालिटी को कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट की एक खासियत है यहाँ पे। एंड मैं यहाँ पे जो कलर ब्लेंडिंग यूज़ कर रहा हूँ वो मेरे को समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ यार। ओ वेट अ सेक, द डिफरेंस वन इज़ गुड, क्योंकि यहाँ पे इसका टेक्सचर आ रहा है एंड यहाँ पे हम इसकी ओपेसिटी भी कम कर सकते हैं, तो मैं डिफरेंस करके इसकी ओपेसिटी को अराउंड 25 कर देता हूँ, 45 कर देता हूँ। एंड अभी जी हाँ मेरे को पता है एपेक्स लेजेंड का लोगो लग रहा है, तो मैं सिंपली इसको चिलिंग चले जाऊँगा। अभी अगेन इसको डुप्लीकेट करेंगे, ऑल्ट क्लिक करके इसको अगेन क्लिपिंग मास्क करेंगे एंड इसको लेके आएंगे ऊपर,
ठीक है। ऊपर लेके आने के बाद मैं इसको करूँगा थोड़ा सा बड़ा, देन मैं अगेन इसको नीचे लेके आऊँगा जस्ट विद द एरो कीज़, ठीक है, क्योंकि मेरे को ऐसे पसंद है एरो कीज़ से नेविगेट करना, ठीक है। एंड मैं इसको यहीं पे रख दूँगा। यहाँ पे रखने के बाद आई विल रास्टराइज द लेयर। ध्यान रखिए, जब भी आप रास्टराइज कर दें लेयर को, तो आप अपने लेयर को रीसाइज मत करिए, बिकॉज फिर इसकी क्वालिटी जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। अगर आपने सिर्फ कट वगैरह करना है, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, लैसो टूल से मैंने सेलेक्ट किया, ओके, एंड मैं देन इसको डिलीट कर रहा हूँ सिंपली, एंड ये कट हो गया है। यहाँ पे मेरा सिर्फ यही था कि भैया ये जो मेरे वो थे ना, ऐसे मेरे लोगों में ऐसे करके बस वो तिखे तिखे से वो हटा देने, ठीक है, बस मेरा इतना ही था यहाँ पे रीज़न। एंड यहाँ पे सिंपली पेन टूल से मैं एक राउंड सेलेक्शन बना रहा हूँ, एंड देन ये ऊपर से भी हम इसको राइट क्लिक करेंगे, मेक सिलेक्शन एंड क्लियर, ठीक है। तो ये हमारा कुछ ऐसे बन गया, ओके। अब जो हमारे बैकअप के लिए लोगों लिया था वो ले आएंगे, एंड उसको भी हम कर देंगे ऑरेंज कलर, ओके। ऑरेंज कलर करने के बाद सिंपली इसको रख देंगे सेंटर में, लाइन ही कर देते हैं सेंटर में, थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे। एंड ये बन गई थी हमारी जर्सी। अगर आपको चाहिए ये जर्सी, अगर आपको चाहिए कि मैं इसके उसको प्रिंट करवा के एज अ मर्च दूँ, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि इसकी मर्च बननी चाहिए या नहीं। एंड हम एक लास्ट शेप यहाँ पे ऐड करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं कलर ले लूँ, ठीक है, एंड शेप ऐड करेंगे। लैसो टूल मैंने ले लिया है, एम्प्टी लेयर मैंने ले ली है, देन मैं जो है पहले तो उसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करके क्लिपिंग मास्क करूँ, एंड देन इस लेयर को भी क्लिपिंग मास्क करेंगे जो कि हमने नई लेयर बनाई है, ओके। एंड नाउ मैं इसका सीधा एक कट बना लेता हूँ लाइक दिस। बी फॉर ब्रश लिया मैंने, एंड देन कलर हमारा ऑरेंज सेलेक्ट है, एंड सिंपली यहाँ से मैंने ऐसे लाइक ऐसे ड्रॉ कर दिया। देन कंट्रोल जे क्लिक करके मैंने डुप्लीकेट किया, देन कंट्रोल टी कर दिया एंड राइट क्लिक किया, फ्लिप इट हॉरिजॉन्टल, ठीक है। एंड नाउ देन क्लिपिंग मास्क को कर दो, एंड इसके बाद इसको दोबारा से इधर ले जाओ, ओके। एंड अभी देखो ये यहाँ पे फ़र्क है, लाइक ये इसमें जो ज़्यादा जगह इसमें कम है, ये कैसे फिक्स करेंगे, दोनों को सेलेक्ट करेंगे, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, एंड सिंपली इनको बीच में अलाइन कर देंगे, दोनों साइड से अलाइन हो जाएंगे। एंड अभी जो है ये मतलब मेरे को लग रहा है कि फुल बढ़िया बन गई है। एंड ये वाली लाइंस जो है मैं इसको नीचे भी यूज़ कर सकता हूँ, तो मैं क्या करूँगा कि पहले तो एम क्लिक करूँगा फॉर द मार्की सिलेक्शन टूल, मैं इसकी सिलेक्शन बनाऊँगा, देन आई विल लेयर वाया कॉपी, एंड देन आई विल मेक इट अ कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, मतलब एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाऊँगा इसका, देन मैं कंट्रोल टी दबाऊँगा, ये बाउंडिंग बॉक्स आ जाएगा, एंड मैं इसको सिंपली नीचे लेके जाऊँगा। मैंने ये कॉपी क्यों किया, बिकॉज कॉपी करेंगे तो एग्जैक्ट सेम टू सेम स्पाइक आ जाएगी मेरे पास, सेम टू सेम स्पाइक आएगी, मतलब पूरे जर्सी में जो है कोई भी गलती होने का यहाँ पे नहीं है। कंट्रोल जे किया मैंने, कंट्रोल टी फ्लिप हॉरिजॉन्टल। आप यहाँ पे एडिट ट्रांसफॉर्म यहाँ पे भी जाके कर सकते हो, लेकिन कंट्रोल टी दबा के आप शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हो, शॉर्टकट यूज़ करा करो, टाइम बहुत बचता है। एंड देन मैं इसको इधर मूव किया। अभी आप देखो यहाँ पे कम जगह यहाँ पे ज़्यादा, ये फिक्स कैसे करोगे, दोनों सेलेक्ट करो, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, देन इसको सेंटर कर दो, एंड देन इसको क्लिपिंग मास्क कर दो। क्लिपिंग मास्क करके आपके पास एक परफेक्ट जर्सी आ गई थी, मेरी जर्सी तो बन गई, ठीक है, मेरी तो, मैं तो जा रहा हूँ एक स्पोर्ट टीम को लॉन्च करने, ठीक है, जस्ट किडिंग। ये हो गया फ्रंट, अभी चलते हैं बैक की तरफ। तो बैक हमारा बिल्कुल ही खाली पड़ा है। सबसे पहले तो यहाँ पे जो भी लेयर्स हैं हमारे पास, ये वाली, इनको कंट्रोल जी करेंगे, सॉरी कंट्रोल जी नहीं करना, कंट्रोल जे करना है टू डुप्लीकेट, ओके। एंड इसको बैक में जब हम इसको रख देंगे, बैक नीचे है क्या, हाँ बैक नीचे है। एंड नीचे रखने के बाद आपने इन लेयर्स को जो है ये पार्ट्स को क्लिक करना है, ठीक है, पार्ट्स के नीचे ले, मतलब समझ लो यूनिफॉर्म को ऊपर लेके जाना है। एंड यहाँ पे इसको एक एक करके क्लिपिंग मास्क करने स्टार्ट कर देना है, तो आपका सेम ही जो आगे वाला डिज़ाइन है वो पीछे आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो लोगो है ये वाला, ये मैं उड़ाना चाहता हूँ, तो मैंने उड़ा दूंगा। यहाँ पे हमारा कॉलर जो है वो भी ऑरेंज होएगा, तो कॉलर में जाके मैं इसको सिंपली ऑरेंज कर देंगे। एंड यहाँ पे ये जो चीज़ है ना, ये यहाँ से ख़राब हो रही है, क्योंकि हमने ऊपर से कट कर दिया था हमने फ्रंट साइड पे, तो फ्रंट साइड पे यहाँ पे दोबारा इसको नॉर्मल कर दो। तो हम क्या करेंगे कि इसको डिलीट कर देंगे, देन कंट्रोल जे करेंगे, नीचे वाले लोगों को अगेन क्लिपिंग मास्क बना देंगे, इसको सिंपली ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है। अब सिंपली इसका जो है वो, ये जो मेरे तिखे तिखे निकलते हैं लोगों में से, इसको कट कर देंगे, क्योंकि ये जो है अच्छे नहीं लग रहे हैं, ओके, इनको डिलीट कर देंगे। एंड देन इसको अगेन कन्वर्ट टू स्मार्ट, भैया कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट तो करते ही रहना है आपने, टू अवॉइड द क्वालिटी लॉस इश्यूज, ठीक है। एंड इसके बाद ये जो स्पाइक है ये थोड़ी सी बाहर आ रही है, इसको भी हम थोड़ा सा
अरे यार हिल गया, स्पाइक को क्लिक करना है जी, नहीं हमको मैनुअली ही क्लिक करना पड़ेगा, पता नहीं है वर्क नहीं कर रहा है। ये है दिस वन, एंड इसको थोड़ा सा राइट साइड में ले जाएंगे, एंड यहाँ पे हो गया, एंड सिंपली लिख देंगे भैया यहाँ पे एमलेट। ओके यहाँ पे लिख दिया हमारा नाम हमने, एंड फॉन्ट जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है, कौन सा फॉन्ट है ये, फिरोसिटी, फिरोसिटी फॉन्ट है, ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अभी मैं टैग कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। एंड अरे यार ये ऑटो सेलेक्ट बंद कर दो, क्योंकि जब आप ऑटो सेलेक्ट को ऑन करते हो ना सब कुछ एक साथ ही सेलेक्ट हो जाता है। तो सिंपली इसको हम यहाँ रखेंगे भैया, एमलेट हैं हम, ये भैया एमलेट की जर्सी है, बिल्कुल छेड़ना नहीं है इसको। एंड ये हमारा बैक का डिज़ाइन भी हो गया, ठीक है। बैक का डिज़ाइन तो बहुत ईजी होता है, एक बार फ्रंट का फिगर आउट हो जाए ना तो बैक का तो ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो ये हो गया बैक जी, और ये हो गया जी फ्रंट। तो ये बन गई जी मेरी जर्सी। अब आप, आपकी मर्जी है कि भैया आप इसको प्रेजेंट करके क्लाइंट को दोगे या इसको ऐसे ही दे दोगे, ये सिर्फ आपका ही, आपके ऊपर डिपेंड करता है। एंड या दैट्स हाउ यू कैन क्रिएट अ जर्सी डिज़ाइन ऑन योर एंड्रॉयड एज वेल एज ऑन योर पीसी। सब पैक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर सकते हो। एंड या दैट इज अप फॉर टुडेज वीडियो। सो गाइस दैट्स अप फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए इस वीडियो को, एंड गो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आपको जर्सी डिज़ाइन वाला ट्यूटोरियल कैसा लगा। एंड अगर आपको इस ट्यूटोरियल में कोई भी प्रॉब्लम आए तो मेक श्योर टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो अगेन। एंड आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो, वहाँ पे मैं सब डीएम का रिप्लाई देता हूँ। एंड या पैक का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, पीसी का पैक अलग है, एंड्रॉइड का पैक अलग है, जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। दैट्स अबाउट टुडेज वीडियो, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। आई एम लेट, साइनिंग आउट।